आज कई बड़े नेताओं के नामांकन का दिन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने मां समलेश्वरी मंदिर में जाकर किया पूजा पाठ, रोड शो कर दिखाया अपना दम। हाजीपुर से पर्चा दाखिल करेंगे चिराग पासवान, नामांकन से पहले घर पर ही किया पूजा पाठ। सारण से नामांकन करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी, नामांकन से पहले की पूजा। जम्मू कश्मीर के बारामूला से उमर अब्दुल्ला भरेंगे अपना पर्चा, घर से हुए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के आणंद में की रैली, बीजेपी के पक्ष में मांगा समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के शहजादे संविधान लेकर नाच रहे हैं, पहले देश में दो संविधान चलते थे। जिस संविधान को आज माथे पर रखकर के नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था? पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान के आतंक का टायर पंचर हो गया है, आतंकवाद सप्लाई करने वाले अब भीख मांग रहे हैं। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, सोशल मीडिया पर लिखा मंगलसूत्र और भैंस छीनने वाले बयान हताशा का प्रतीक हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया झूठ की मशीन, लिखा डर से मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। चुनावी उथल पथल के बीच में अमेठी और रायबरेली सीट पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस, कांग्रेस आज ऐलान कर सकती है उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस की सीईसी समिति का फैसला, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सीटों पर निर्णय लेने का दिया अधिकार। अमेठी और रायबरेली सीटों पर अब तक राहुल और प्रियंका के नाम पर सस्पेंस बरकरार, आज दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बताए जाने पर खत्म होगा सस्पेंस। हैदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का बड़ा ऐलान, कहा चुनाव के बाद बदलेंगे शहर का नाम। और जब एक स्त्री उम्मीदवार ठहरी हुई है, जीत के बाद एक स्त्री का सम्मान में हम उन्हीं के घर के बहू को उनका नाम से, जो पहले भी था भागनगर, मैं उसी को फिर से ले। हमें दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की इमोशनल अपील, कहा ये दिग्विजय सिंह का आखिरी चुनाव है, उन्हें मौका जरूर दे। 70 साल के हो चुके हैं, उनका आखिरी चुनाव है, बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि 7 तारीख को एक बार हमें मौका दीजिए, वो 30 साल बाद। अनुराग ठाकुर का बयान, यूपी में चल रही है शिमला जैसी ठंडी हवाएं, यूपी ठंडा हुआ गुंडागर्दी से, गैंग वॉर से, माफियागिरी से, दबंगई से और परिवारवाद से। वडोदरा में सामूहिक विवाह में मतदाता जागरूकता के लिए अनोखा अभियान, बारातियों को मतदान के लिए दिलाई गई शपथ। हैदराबाद में शांतनु गुप्ता की लिखी पुस्तक 101 रीजंस Why I Will Vote for Modi का विमोचन, कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने राज ठाकरे के साथ की मुलाकात, चुनाव को लेकर बातचीत। मुंबई में कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, लोगों के साथ की बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की रैली, बीजेपी के पक्ष में मांगा वोट।